हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की कमी के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता सूरज उर्फ शुभम पुत्र नरेश निवासी राजापुर पुराना डाकखाना थाना कवीनगर जनपद गाजियाबाद, घायल बिबिन पुत्र रमेश निवासी ग्राम छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर, घायल तीन दीपक पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सोलाना थाना घोलाना जनपद हापुड़ को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम अश्वनी कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड़ जब्बार अहमद संजय यादव दिव्य बलियान वीरेंद्र सिंह सतीश राठी नवीन कुमार अंकित कुमार रहे। आज दिनांक 11 तारीख को पुलिस के द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और निधावली नहर पटरी की तरफ भाग गए और आगे जाके भी पुलिस पर फायरिंग करने लगे, तो पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई में उन पर फायर किया और जिसके उपरांत उनमें से दो लोगों के एक के दाहिने पैर में और एक के बाहें पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। और इनसे एक स्प्लेंडर प्लस बाइक काले रंग की, 30,000 रुपये नकद, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, दो 315 बोर तमंचे, एक चाकू और मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल जब देखा गया तो पता लगा कि 8 तारीख को एक दिल्ली के पशु व्यापारी से लूट हुई थी, 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। ये मोबाइल उसी व्यक्ति का है और ये लोग सूरज और बॉबी कभी नगर गाजियाबाद के कभी नगर थाने से 3.5 लाख की लूट में भी वांछित हैं और दोनों अभियुक्त जिनके गोली लगी है उनको प्राथमिक उपचार के लिए धौलाना CSC भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।